सो दोस्तों आज है बोट वेव एलिवेट भाई प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और एप्पल वॉच का लुक दिया इन्होंने, लेकिन भाई ये क्लोन नहीं है, काफी ज्यादा डिफरेंट दिखता है। और अगर फीचर्स देखें तो 1.96 इंच का लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और वो भी मेटल बॉडी के साथ, जिस वजह से भाई बिल्ड क्वालिटी में बेस्ट बन जाता है। और यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है, एनालॉग भी है डिजिटल भी है। अदर फीचर देखें तो इस वॉच में आपको 5.0 का ब्लूटूथ देखने को मिल रहा है, जिस वजह से भाई कनेक्टिविटी इशू नहीं है। बोट के वॉचेस में कनेक्टिविटी इशू हल्का हल्का रहता है लेकिन इसमें नहीं है। और मॉनिटर देखें तो SP2 मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर और स्ट्रेस मॉनिटर आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल रहा है। और इस वॉच की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इस वॉच में गाना सुन सकते हो भाई, इसके स्पीकर से आप गाना सुन सकते हो। बोट की वॉचेस में ये फीचर्स नहीं होते हैं लेकिन भाई इस वॉच में है। और इस वॉच में आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल रहा है, साथ ही में 4 मेन्यू स्टाइल भी दे रखा है और हाई डिमांड का कैलकुलेटर भी है इस वॉच में। और कैलेंडर है, गेम्स है, IP67 का वाटर रेटिंग है और ये प्रोडक्ट आपको टोटल 4 कलर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। आप देख लो भाई आपको कौन सा पसंद है, मैंने ब्लैक ऑर्डर किया। तो चलिए अभी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। प्रोडक्ट पसंद है तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और ये प्रोडक्ट आपको अमेजन पे अवेलेबल मिलेगा 2300 रुपीज का, थोड़ा सा ज्यादा महंगा है। सो दोस्तों ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स। ऊपर आपको बोट का लोगो देखने को मिल रहा है, साइड में मेड इन इंडिया को प्रिंट कर रखा है, नीचे बोट एलिवेट को प्रिंट किया और बॉक्स के सराउंडिंग में कुछ नहीं सिर्फ ब्रांडिंग है। नीचे की तरफ ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे एड्रेस, MRP, प्राइस, इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग पूरी तरह से सेफ प्रोडक्ट है। और पीछे के साइड ऊपर की फीचर्स और थोड़े ही नीचे मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का QR कोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अभी जल्दी से डब्बे को खोल लेते हैं। तो भाई ये है अपना वॉच, वॉच के डब्बों के अंदर बाकी के सामग्री को डाल रखा है। सो दोस्तों इसके डब्बे के अंदर ये है कुछ कूल स्टिकर्स यहां चिपकाने के लिए और ये है थैंक यू कार्ड। बोर्ड आपको थैंक यू बोल रहा है क्योंकि आपने इनका वॉच खरीद लिया, वाह। और यह है यूजर मैनुअल जिसके अंदर थोड़े फंक्शन को, थोड़े फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। और यह वारंटी कार्ड, इस बार कोड को स्कैन करके आप इनका वीडियो देख सकते हो जिसमें उन्होंने बताया कि आपको वारंटी कैसे क्लेम करना है और पीछे कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों यह है बोट का बुकलेट जो कि बोट अपने हर एक प्रोडक्ट के साथ प्रोवाइड करता है, ना जाने क्यों भाई ये तो पूरा फालतू है, ऐसे ही दे देते हैं हर बार। और दोस्तों यह है इसका वायरलेस चार्जिंग केबल, भाई लेंथ में काफी ज्यादा बड़ा है और भाई क्वालिटी में भी बहुत बढ़िया है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का वायर का इस्तेमाल कर रखा है इन्होंने। और भाई स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर आपको वॉच रखना है और वॉच चार्ज हो जाएगा, ऐसा कुछ पोगो पिन का कोई झमेला नहीं है, तो काफी अच्छा ही है। और अभी क्लोज टू वॉच की तरफ से जैसे कि आप देख सकते हो भाई वॉच का लुक काफी बढ़िया है और यहाँ पर आपको एकदम सपाट प्लेन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। कर्व डिस्प्ले का इस्तेमाल नहीं कर रखा क्योंकि भाई हल्का हल्का एप्पल वॉच का क्लोन है इसलिए कर्व डिस्प्ले नहीं लगा रखा। और इसका डिस्प्ले काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को जो कि नॉर्मली है। और वॉच का लेंथ है 49 mm, ब्रेथ है 44 mm और थिकनेस है 11 mm, जिसकी वजह से अगर आपके रिस्ट का साइज थिन भी होगा ना तब भी बहुत ही बढ़िया लगेगा ये वॉच देखने में। थिन रिस्ट हो या नॉर्मल रिस्ट हो सब पे कमाल लगेगा। और वॉच के साइड में जो आप इसका रोटेटिंग क्राउन देख रहे हो ये आपको पूरा मेटल का देखने को मिल रहा है, अंदर का पार्ट भी मेटल का है। और यहीं पर आप जो ऑरेंज कलर देख रहे हो ये कोई कलर नहीं है, अंदर एक प्लास्टिक का रिंग डाल रखा है इसलिए भाई कलर नहीं उतरेगा। साथ ही में आप एक और बटन देख रहे हो ये भी आपको पूरा मेटल का ही देखने को मिल रहा है और दोनों ही बटन के बीच में आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका माइक। और ऑल ओवर जो आप सिल्वर फ्रेम देख रहे हो ये आपको पूरा मेटल का देखने को मिल रहा है, जिस वजह से भाई बिल्ड क्वालिटी में बेस्ट बन जाता है। और वॉच के पीछे के साइड आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, साथ ही में अपने सारे सेंसर को और मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंट को भी यहीं पर ही फिट कर रखा है। और वॉच के दूसरी तरफ आप दो कट देख रहे हो, यहाँ पर फिट है स्पीकर और यहीं पर ही साइड में एक और होल देख रहे हो, यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन माइक हो सकता है। नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि सिंगल माइक है या डुअल माइक है। और स्ट्रैप देखे तो यहाँ पर आपको 22 mm का रिमूवेबल स्ट्रैप देखने को मिल रहा है। स्ट्रैप को निकालना लगाना बहुत ज्यादा इजी है, आपको सिर्फ स्लाइड करना है निकल जाएगा, स्लाइड करना है लग भी जाएगा। और इन फ्यूचर अगर आपको स्ट्रैप चेंज करना हो तो आपको एप्पल का स्ट्रैप लेना है, फिट बैठेगा इस पे। और स्ट्रैप के ऊपर बोट के ब्रांडिंग को भी प्रिंट कर रखा है और काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल स्ट्रैप का इस्तेमाल कर रखा है। स्ट्रैप का क्वालिटी बढ़िया है लेकिन भाई रबड़ का स्ट्रैप है, सिलिकॉन नहीं है। और साथ में मेटलिक बक्कल का भी इस्तेमाल कर रखा है, बक्कल क्या दो रिंग लगा रखे हैं। और वॉच को ऑन करते यहाँ पर आपको 1.96 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और साइड का ब्रेसल भी आप देख रहे हो ये भी आपको थोड़ा देखने को मिल रहा है इस वॉच में। एकदम स्लिम नहीं है लेकिन एकदम मोटा भी नहीं है, ठीक ठीक बोलूंगा मैं, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। और इस वॉच में आपको 240x292 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा लो रेजोल्यूशन है। इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई डिस्प्ले क्वालिटी मुझे बहुत ही ज्यादा बर्बाद लग रहा है क्योंकि भाई 2300 प्राइस तो उन्होंने रख दिया है लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी कैसा है 1500 के वॉचेस की तरह, जिस वजह से भाई ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है ये वॉच। अगर 2000 के अंडर आपको ये वॉच मिले तभी लेना वरना मत लेना। वैसे कलर रिप्रोडक्शन इस वॉच का काफी बढ़िया है,
और वॉच का जो ऊपर वाला बटन है ये है फंक्शनेबल रोटेटिंग क्राउन। इसके हेल्प से आप वॉच फेसेस को अप डाउन कर सकते हो, मेन्यू अप डाउन कर सकते हो और स्पोर्ट्स मोड को अप डाउन कर सकते हो, और साथ ही में मेन्यू का भी शॉर्टकट है ये। और नीचे का बटन क्या है, स्क्रीन ऑन ऑफ करने के लिए। और स्क्रीन की बार लॉन्ग टच करने पर भी आप कुछ वॉच फेसेस देख रहे हो, इनमें से आप सिर्फ एक वॉच फेसेस अपने पसंद का सेट कर सकते हो, या फिर होगा कस्टम वॉच फेसेस या फिर क्लाउड वॉच फेसेस। और यहाँ से आप वॉच फेसेस को लॉक कर सकते हो, उससे क्राउन को घुमाने पर वॉच फेसेस चेंज नहीं होते हैं। और दोस्तों इस वॉच में कस्टम वॉच फेसेस अप्लाई ही नहीं होता है, आप अपना फेस इस वॉच में नहीं लगा सकते हो, बग्स है। पहले मैं आपको क्लाउड वॉच फेसेस अप्लाई करके दिखाता हूँ। भाई ये प्रोसेस आप एकदम ध्यान से देखना, तभी आपको रियलिटी पता चलेगा। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा ताकि भाई वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। आप देख सकते हो भाई सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं डन पे क्लिक करता हूँ या तो मोबाइल ऐप रीसेट हो जाता है या फिर मोबाइल ऐप क्रैश हो जाता है, तो भाई काम नहीं करता है। मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, यहाँ तक कि मैंने वॉच को भी 3-4 बार रीसेट करके भी ट्राई किया, तब भी भाई काम नहीं कर रहा है। फोन को भी मैंने रीस्टार्ट किया, तब भी भाई काम नहीं कर रहा है। तो भाई ये बग्स है इस वॉच में, इन फ्यूचर सॉल्व कर सकते हैं लेकिन कब करेंगे पता नहीं। और कॉलिंग फीचर देखे तो आप वॉच की हेल्प से कॉल कट कर सकते हो, कॉल पिक कर सकते हो, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और वॉच में सिर्फ वाइब्रेशन होता है, कोई रिंगटोन नहीं है। और भाई कॉल पिक करने के बाद एक डिस्प्ले पॉपअप होता है, तो आपको क्रॉस करना है, और ये बार बार पॉपअप होता रहता है हर 10-15 मिनट के बाद, पता नहीं भाई क्यों पॉपअप होता है। और ये पॉपअप होने के बाद वाइब्रेट करता है वॉच, तो भाई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, थोड़ा इरिटेटिंग सा फील होता है कभी कभी। और नॉर्मली आप वॉच की हेल्प से कॉल कट कर सकते हो, कॉल को म्यूट कर सकते हो, वॉच में बात करने में अनकंफर्टेबल हो तो आप कॉल को ट्रांसफर कर सकते हो, साथ ही में आप वॉल्यूम को भी अप डाउन कर सकते हो इस वॉच में। और दोस्तों इस वॉच में आप सोशल मीडिया के कॉल को पिक नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ देख सकते हो कि कॉल आ रहा है, और कॉल खत्म होने के बाद भी मिस कॉल का नोटिफिकेशन दे देगा, लेकिन आप कॉल पिक नहीं कर सकते हो। और कॉलिंग फीचर्स को ऑफ करने के बाद भी कॉलिंग का नोटिफिकेशन ये वॉच आपको प्रोवाइड करता रहेगा, और आप कॉल को कट भी कर सकते हो, पिक भी कर सकते हो, लेकिन भाई आप वॉच में बात नहीं कर सकते, मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा बात करने के लिए, क्योंकि भाई आपने कॉलिंग फीचर्स को तो ऑफ कर रखा है ना। और कॉल पिक करने के बाद ऑटोमेटिक वॉच का कॉलिंग फीचर्स ऑन हो जाता है, तो ये एक छोटा सा बक्स है। और कॉलिंग फीचर्स को ऑफ करने के बाद सोशल मीडिया की कॉल के नोटिफिकेशन को भी शो करता है, और साथ ही में कॉल खत्म होने के बाद मिस कॉल का नोटिफिकेशन भी देता है ये वॉच। और दोस्तों इस वॉच में एक और छोटा सा बक्स है कि अगर वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट नहीं है, मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट है लेकिन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट नहीं है, अगर उस वक्त आप कॉल रिसीव करते हो तब भाई इसका डिस्प्ले ऑन ही रहता है, इसका डिस्प्ले ऑफ नहीं होता, आप डिस्प्ले को ऑफ नहीं कर सकते बटन दबाकर। तो जब तक आप कॉल पे रहोगे बैटरी चूसता रहेगा ये वॉच। वॉच का कॉलिंग फीचर देखिए तो कॉन्टैक्ट्स कुछ ऐसा दिखता है, नाम और नंबर दोनों शो होता है, और आप इस वॉच में मैक्सिमम 20 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो मोबाइल ऐप के हेल्प से, और इजीली यहां से कॉल भी लग जाता है, कोई इशू नहीं है। फिर आता है कॉल रिकॉर्ड्स, और वॉच के कॉल रिकॉर्ड में भी एक बग्स है भाई, रिसीवर और डायलर कॉलर का नाम नहीं लिखा, सिर्फ कॉल बोल के लिखा है, जिससे भाई पता नहीं चलता कि किसका कॉल आ रखा है, किसको कॉल गया है, और टाइम डेट का इन्फो अवेलेबल है। और जब आप यहां से कॉल करोगे ना तो भाई कॉल भी लग जाता है लेकिन शो नहीं करता कि भाई किसको कॉल लगा है। यह डायल पैड जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जो बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है, और हल्का सा भी बग्स नहीं है। और नॉर्मल नोटिफिकेशन इसी होने पर वॉच वाइब्रेट करता है और डिस्प्ले भी ऑन हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये वॉच हिंदी, इंग्लिश एंड बंगला लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, मैंने मल्टी लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, रिजल्ट आपके सामने। और मोबाइल ऐप के नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो इस वॉच में आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट का ही नोटिफिकेशन मिल रहा है, सोशल मीडिया के अलावा अनदर ऐप का नोटिफिकेशन फिलहाल इस वॉच में नहीं है। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं भी हूँ कॉलिंग पर, अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है वॉच का माइक एक्सपीरियंस, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं, और इसका माइक ना यहाँ पर है, सो आप मुंह के पास लाके ऐसे बात करोगे तभी आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब करेगा, हाथों को दूर लेके जाने पर सही से आवाज नहीं पकड़ पाता है क्योंकि भाई माइक दूर हो जाता है, लेकिन पीछे के साइड से एक बोल दे रखा है तो आप सुनो कि हाथों को दूर लेके जाने पर तब कैसा आवाज पकड़ता है। अगर अभी मेरा आवाज सही से ग्रैब कर रहा है मतलब इसमें ड्यूल माइक है, और अभी आप सुनो कि टेबल पे हाथ रख के अगर आप इस वॉच का इस्तेमाल करोगे तब कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये वॉच प्रोवाइड करेगा। और मेरे आगे अभी एक छोटा सा टेबल फैन ऑन है जो कि हल्का सा नॉइज़ है, तो अभी आप सुनो कि इस नॉइज़ को रिड्यूस कर पा रहा है या नहीं। सो दोस्तों अभी एक एक्सट्रीम लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन टेस्ट कर लेते हैं, ये है मेरे पास हेड है जो कि बहुत ही ज्यादा नॉइज़ है, और अभी आप सुनो कि इस नॉइज़ में कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये वॉच प्रोवाइड कर रहा है और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं। और दोस्तों हल्का फुल्का नॉइज़ अगर आजू बाजू से आएगा तो उस नॉइज़ को रिड्यूस कर सकता है ये वॉच, लेकिन अगर डायरेक्ट साउंड लगेगा इस माइक में उस नॉइज़ को रिड्यूस नहीं कर सकता। सो दोस्तों टेबल फैन के नॉइज को, कूलर के नॉइज को इजीली रिड्यूस कर सकता है ये वॉच। चलो दोस्तों जब सुन सकते हैं कि कैसा है वॉच का स्पीकर परफॉर्मेंस, और आपको मेरा आवाज के लिए सुनाई दे रहा है नहीं, और 100% लाउडनेस में मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, और अभी आप सुन के बताओ कि आपको स्पीकर का परफॉर्मेंस कैसा लगा। अभी एक डायलॉग टेस्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अभी आप सुनो कि आपको कैसा लगा इसका क्लैरिटी स्पीकर का और लाउडनेस कैसा लगा। और दोस्तों वॉच का म्यूजिक कंट्रोल एकदम परफेक्टली काम करता है, वॉच के हेल्प से आप म्यूजिक को प्ले, पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक और वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, साथ ही में आप इस वॉच में गाना भी सुन सकते हो। नीचे आप दो आइकन्स देख रहे हो, एक है फोन, दूसरा है वॉच। वॉच को क्लिक करोगे तो वॉच से गाना आएगा, फोन को क्लिक करोगे तो फोन से आवाज आएगा।
लेकिन हाँ, इसके लिए आपको वॉच को फोन के साथ कनेक्ट रखना है ब्लूटूथ के साथ, तभी यह फंक्शन काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। और वॉच का राइज टू हैंड विकअप हैंड गेस्चर एकदम परफेक्टली काम करता है। जब कभी भी आप हाथों को ऊपर उठाओगे तो डिस्प्ले हमेशा ऑन हो जाता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता। और आप कैसे भी करके हाथ को ऊपर उठाओ, डिस्प्ले हमेशा ऑन हो जाता है। और रोटेटिंग हैंड गेस्चर एकदम सुपर तरीके से काम करता है वॉच का। आगे के साइड रोटेट करोगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, पीछे के साइड रोटेट करोगे तो डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। स्क्रीन ऑन टाइम खत्म होने का वेट नहीं करता और हर बार काम करता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता, जिस वजह से बाइक राइडिंग के टाइम ये एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। और इस वॉच में आपको IP67 का वाटर रेटिंग देखने को मिल रहा है, जो कि आपको 1 मीटर वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। बोले तो आप स्विमिंग पूल, नदी, तालाब में भी इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो, 1 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस आपको ये वॉच प्रोवाइड करेगा। लेकिन भाई 1 मीटर से गहरा नहीं जाना है, वाटर प्रेशर होता है वॉच खराब हो सकता है, 1 मीटर से ऊपर रहना है परफेक्ट है, कुछ नहीं होगा वॉच को। बारिश में, हैंड वॉश में बिंदास वॉच का इस्तेमाल करो, कुछ नहीं होगा वॉच को। और साथ ही इस वॉच के ऊपर आपको ओलिफोबी कोटिंग भी अवेलेबल मिल रहा है, इस फीचर्स के होने की वजह से हल्का सा स्क्रैच रेजिस्टेंस बन जाता है वॉच, क्योंकि एक हल्का सा स्लिपरी सा कोटिंग ऊपर चढ़ा के रखते हैं, जिस वजह से धूल मट्टी इजीली चिपकता नहीं है डिस्प्ले के ऊपर। और वॉच का फाइंड माय फोन का फीचर्स एकदम परफेक्टली काम करता है और फोन में वो रिंगटोन सुनने को मिलेगा जो कि आपने अपने रिंग में लगा रखा हो, अगर हमेशा काम करता है कभी भी मिस आउट नहीं होता। और इसमें आपको 500 नट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि मैं सनलाइट में इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका ब्राइटनेस का क्वालिटी एकदम बेस्ट नहीं है, बिलो एवरेज सा बोलूंगा मैं, क्योंकि भाई सनलाइट में कुछ सही से दिखाई नहीं देता, बहुत ज्यादा लो सा है इसका ब्राइटनेस का क्वालिटी जो भी है आपके सामने। मोबाइल ऐप देखें तो इसके होम में आपको पूरे दिन भर का हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। और वॉच फेसेस में जाके आप देख सकते हो, इस वॉच में आपको 100+ क्लाउड वॉच फेसेस अवेलेबल मिल रहा है। भाई क्वालिटी काफी अच्छा है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का है, एनालॉग भी मिल रहा है, डिजिटल भी मिल रहा है और काफी सारे हैं। और हेल्थ रिमाइंडर देखें तो मोबाइल ऐप के अलर्ट्स के अंदर आप देख सकते हो, इस वॉच में आपको सिर्फ और सिर्फ सैलेंटी अलर्ट रिमाइंडर ही अवेलेबल मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर इस वॉच में नहीं है। स्मार्ट वॉच है भाई, ये फीचर्स तो होना ही चाहिए था पर नहीं है। फिर आता है एंटी लॉस, इसे ऑन करोगे तो जैसे ही वॉच आपके फोन के साथ डिस्कनेक्ट होगा तो वॉच वाइब्रेट करता है। और वेदर को भी आप यहां से ऑन कर सकते हो, लेकिन वॉच का वेदर काम नहीं कर रहा भाई, बक्स है वेदर में। वॉच के किसी भी फीचर्स को आप ऑन करो ऑफ करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई ऑटोमेटिक हार्ट रेट को आपको गलती से भी ऑन नहीं रखना है, क्योंकि भाई बैटरी बहुत ज्यादा चूसता है। और यहाँ पर आपको वाइब्रेशन की भी 3 साइकिल देखने को मिल रहा है, तो बस इतना ही है। और लास्ट ऑप्शन में जाके आप गोल सेट कर सकते हो कि आपको एक दिन में कितना स्टेप चलना है और कितना कैलोरी बर्न करना है। और दोस्तों वॉच के मोबाइल ऐप में आपको फाइंड माय वॉच का फीचर्स नहीं मिल रहा है। सो अभी बात करिए क्या ये वॉच आपको लेना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी भाई मैं आपको मना करूंगा कि भाई मत लो, क्योंकि 2300 अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही ज्यादा महंगा है। और दोस्तों अगर आपको डिजाइन पसंद है तो आप फायरबोल्ट ग्लैडिएटर प्लस खरीदो, क्योंकि वहां पर आपको एमोलेड मिल रहा है 2500 रुपीज में, 200 रुपए एक्स्ट्रा देकर आपको एमोलेड मिल रहा है। तो भाई एमोलेड छोड़ के आप ये वॉच क्यों खरीदोगे, रहने दो भाई, बहुत ही ज्यादा बर्बाद डील है। और जैसे कि आपने देखा कि बग्स भी काफी सारे थे इस वॉच में और टच इशू भी काफी ज्यादा है इस वॉच में। अगर आपको डिटेल में देखना है कि कितने टच इशू है तो आप UI इंट्रो डिटेल में देख सकते हो, उसमें मैंने दिखाया है कि कितने टच इशू है इस वॉच में, आप क्लियर देख सकते हो, शो नहीं किया ऐसे ही दिख रहा है, मैं नॉर्मल यूज कर रहा हूँ टच इशू आ रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों वॉच का HR मॉनिटर का एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बर्बाद है और भाई ये वॉच कोई फाइनल रिजल्ट नहीं देता है, कैलकुलेट करते करते डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई बहुत ही ज्यादा बर्बाद है इसका HR मॉनिटर का एक्यूरेसी। और SPU2 का एक्यूरेसी मैं क्या बताऊं दोस्तों, आप खुद देखो डिसाइड करो आपको कैसा लगा SPU2 का एक्यूरेसी। और दोस्तों इन्होंने स्ट्रेस मॉनिटर दे तो रखा है लेकिन भाई ये भी परफेक्टली काम नहीं करता है, इसमें भी थोड़ा सा बक्स है। तो चलिए अभी एक स्टेप काउंट कर लेते हैं। 93 स्टेप्स, 114 स्टेप्स, वंस मोर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, परफेक्ट है दोस्तों, परफेक्ट है, स्टेप काउंट काफी अच्छा है। अभी स्पोर्ट्स मोड का भी एक बार चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हो सब कुछ है 0। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप काउंट कर रहा है लेकिन ठीक ठीक बोलेंगे इसे, अच्छा है।
और दोस्तों अगर आप लोकेशन ऑन करके डिस्टेंस ट्रैक करोगे तो 90% एक्यूरेसी आपको ये वॉच प्रोवाइड करेगा। और स्लीप एक्यूरेसी भी वॉच का काफी अच्छा है। मैं 6 घंटा इसे पहन के सोया था तो ये 3 घंटा 4 घंटा ऐसा कैलकुलेट किया, बोले तो डीप स्लीप को कैलकुलेट किया ये वॉच। और कैलोरी बर्न भी ठीक ठीक है, आप इस पे 80% ट्रस्ट कर सकते हो। और अब एक क्लोज टू वॉच के यूआई की तरफ ऊपर के साइड स्लाइड करने पर आप एक चेन का सिंबल देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं। और साथ ही में डेट और बैटरी का इन्फो भी अवेलेबल है। और यहीं पर ही पहला ऑप्शन है, यह है 5 मिनट डिस्प्ले ऑन। फिर आता है फाइंड माय फोन DND। और दोस्तों एक और बक्स, इस वॉच का DND काम नहीं करता है, आप इसे ऑन करो ऑफ करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कॉल मैसेज आता रहेगा। फिर आता है ब्राइटनेस कंट्रोल, कॉलिंग फीचर्स, आप यहां से कॉलिंग फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑरेंज का मतलब है कि वॉच में ऑन कर दिया है लेकिन भाई फोन के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। ब्लू का मतलब है कि फोन के साथ कनेक्ट हो चुका है, अब कॉलिंग फीचर्स परफेक्टली काम करेगा। इसके बाद आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर है वॉच फेसेस जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। इसके बाद है जनरल, यहां पर पहला ऑप्शन है वेग गेस्चर, इसके अंदर है स्क्रीन ऑन टाइम, मिनिमम है 3 सेकंड्स, मैक्सिमम है 20 सेकंड्स। आप हैंड गेस्चर को भी यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो या फिर आप शेड्यूल लगा सकते हो। फिर आता है डू नॉट डिस्टर्ब पासवर्ड। फिर आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको एनालॉग भी मिल रहा है डिजिटल भी मिल रहा है। भाई बस देख लो, यूज मत करना क्योंकि अगर आप यूज करोगे तो 12 घंटे में पूरा बैटरी खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, नॉर्मल डिस्प्ले है। फिर आता है बेड साइड क्लॉक, बैक आने के बाद फिर आता है ब्राइटनेस मेन्यू स्टाइल। तो यहाँ पर आपको 4 मेन्यू स्टाइल अवेलेबल मिल रहा है। पहला आप देख सकते हो लिस्ट कुछ ऐसा दिखता है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि भाई नाम लिखा है क्या फंक्शन है। और इसके बटन के डबल प्रेस से आप मेन्यू स्टाइल को चेंज कर सकते हो, शॉर्टकट है भाई। और दूसरा मेन्यू आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, फूल जैसा खिलता है, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, काफी बढ़िया लगता है देखने में। और तीसरा कुछ ऐसा दिखता है ग्रिड, लेकिन लूप है ये क्योंकि खत्म नहीं होता, रिपीट होता रहता है एक के बाद एक नीचे। फिर आता है नोकिया लुमिया मेन्यू, आप देख सकते हो भाई काफी बढ़िया लग रहा है, नोकिया लुमिया जैसा मेन्यू स्टाइल है, काफी अच्छा लग रहा है। बैक आने के बाद फिर आता है पावर ऑफ, रीबूट, फैक्ट्री रीसेट, अबाउट। होम में आने के बाद अगर आप राइट साइड स्लाइड करोगे तो फिर आता है हार्ट रेट, एक्टिविटी। नीचे के साइड स्लाइड करने पर पूरे दिन भर का कैलोरी बर्न, स्टेप काउंट और डिस्टेंस ट्रैक का इन्फो अवेलेबल है। फिर आता है स्ट्रेस, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप। फिर आता है वेदर, तो भाई वॉच का वेदर भी बीच बीच में काम नहीं करता, थोड़ा सा बक्स है। फिर आता है म्यूजिक कॉल प्लस, मैंने आपको लेफ्ट साइड स्लाइड करके जो भी ऑप्शन दिखा है, आप चाहो तो इन सारे ही ऑप्शन को यहाँ से रिमूव कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हो कि आपको पहले कौन सा चाहिए उसके बाद कौन सा चाहिए। तो ये फीचर्स काफी बढ़िया लगा। और होम मैंने के बाद अगर आप लेफ्ट साइड स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आपको डेट, वीक और टाइम का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है। और यहीं से आप अलार्म भी सेट कर सकते हो। अलार्म सेट करने के लिए आपको मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आप वॉच से ही अलार्म सेट कर सकते हो। और यहीं पर आप 4 आइकन देख रहे हो, ये है आपकी रिसेंट एक्टिविटी। और नीचे के साइड सेट करने पर पूरा दिन भर का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर रिसीव होगा जो भी आपने ऑन कर रखा होगा। और भाई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कितना लंबा मैसेज सपोर्ट करता है, तो आप देख सकते हो भाई काफी लंबा मैसेज सपोर्ट करता है, जिस वजह से मैसेज को रीड करने के लिए आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आप वॉच से ही पूरा मैसेज रीड कर सकते हो। और होम आने के बाद अगर आप इसके बटन को प्रेस करोगे तो थोड़ा और मेन्यू पॉपअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से पहला है फोन कॉल, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर ही आपको सारे 100 स्पोर्ट्स अवेलेबल मिल रहा है। ऊपर है 20, बाकी के कहां पर है पर्सनलाइज के अंदर। पर्सनलाइज में जाके आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को मेन 20 में ऐड कर सकते हो। बैक आने के बाद फिर आता है स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, एक्टिविटी डाटा, हार्ट रेट, फीमेल वेलनेस, ये वही है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के लिए। फिर आता है ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस, स्टॉपवॉच, नोटिफिकेशन, स्लीप, वेदर, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अलार्म, कैमरा, म्यूजिक, टाइमर, एआई वॉइस, फाइन फोन, कैलेंडर। कैलेंडर कुछ ऐसा दिखता है। फिर आता है गेम्स, तो इस वॉच में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम्स अवेलेबल मिलेगा। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है इसका गेम्स, दुश्मन का प्लेन आएगा प्लेन से मारना है, स्काई फाइटर टाइप का गेम है। फिर है वर्ल्ड क्लॉक, कैलकुलेटर, डाउनलोड ऐप देखो। फिर आता है सेटिंग्स, सेटिंग्स वही है जो कि मैंने आपको पहले बताया। बैटरी परफॉर्मेंस देखिए तो इन्होंने 290 mAh का लार्ज बैटरी फिट कर रखा है जो कि कॉलिंग के साथ मुझे 2 डेज का बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया। और मैं 50% ब्राइटनेस में इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा था और मैं अप्रॉक्स दिन में 2 आवर्स कॉलिंग के लिए इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा था। और दिन रात वॉच मेरे फोन के साथ था कनेक्ट और नोटिफिकेशन कॉल रिसीव हो रहा था। तो मुझे इसका बैटरी परफॉर्मेंस बढ़िया लगा। और विदाउट कॉलिंग ऑनली नोटिफिकेशन के साथ अप्रॉक्स 4-5 डे का बैटरी बैकअप इजिली आपको ये वॉच प्रोवाइड कर देगा। और अगर वॉच को आप फोन के साथ कनेक्ट नहीं करोगे तब तो भाई 7-10 डेज का बैटरी बैकअप आपको ये वॉच प्रोवाइड करेगा। और भाई इसका चार्जिंग काफी ज्यादा स्लो है, अप्रॉक्स 3 आवर्स लगते हैं इसे चार्ज होने में 15 वॉट चार्जर से, तो भाई वायरलेस चार्जर काफी स्लो है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में।